अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा। तो भाई और बहनों बात करेंगे चोर निकल के भागा फिल्म की, जो कि नेटफ्लिक्स पर ताजा ताजा रिलीज हुई है। जैसा नाम वैसा काम, यो फिल्म थाने रोरल कोस्टर राइड करा देवेगी। फिल्म देख के था का दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई साहब यो हो के रहा है। जो सस्पेंस है, जो ट्विस्ट है, वह आपको अंत तक यो फिल्म देखने पर मजबूर कर देंगे। फिल्म के ट्रेलर में जो बताया है ना कि हाईजैक हो जावे, 120 करोड़ के हीरे का मामला है, पर फिल्म देखने के बाद में इतने झटके मिलेंगे ना कि भाई साहब था का दिमाग घूम जाएगा। फिल्म में यामी जी और अपने कटरीना के देवर जी सनी कौशल का काम गजब का है, पर यो फिल्म के असली हीरो बिल्कुल भी ना है ना, क्योंकि यो फिल्म के असली हीरो है यो फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट। ट्रेलर देख करके जो यो फिल्म हर दूसरी फिल्म के जैसी लग रही थी ना कि कई नया होगा, वाई हाईजेक, वाई चोरी चकारी वगैरह वगैरह, पर फिल्म देख करके था के होश उड़ जाएंगे कि भैंस की टांग यो हो के रहा है, कौन किसके साथ खेल खेल रहा है। फिल्म 1 घंटे 50 मिनट की और सिर्फ अपने ट्रैक पर चले है। फिल्म में कई सारे बैकग्राउंड रेफरेंसेस है हर एक किरदार के, जो था ना फिल्म के अंत में पता चलेगा, अच्छा यो ऐसा था के। यामी जी आजकल सही फिल्मों का चुनाव कर रही है। फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले गजब का है, मानना पड़ेगा भाई साहब। फिल्म के मात्र 40 मिनट में ही गजब का खुलासा हो जावे और थे सोचते रह जाओगे कि अब आगे क्या होगा, किसका चूतिया कटेगा, वह तो था ना यो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे नेटफ्लिक्स की एक और गजब की बात है जो मैंने घड़ी चौकी लागे है कि या के फिल्म के शीर्षक एकदम अलग हो गए, हटके हो गए, जो थाने अटपटा लागेंगे, पर फिल्म देखने के बाद में पता चल जाएगा कि वह फिल्म अपने शीर्षक को 100% जस्टिफाई करे। जैसे कि डार्लिंग्स, पगलेट, चोर निकल के भागा, रात अकेली है, एकदम यूनिक टाइटल हो भाई साहब। वैसे यो फिल्म एकदम देखने लायक है और थे जरूर देखना। बस तो यो थी बात चोर निकल के भागा फिल्म की, और जो थाने यो फिल्म देख रखी हो तो माने बताओ कमेंट बॉक्स में कि थाने यो फिल्म कैसी लगी। बाकी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय राम सीताराम।